Three people, including a transgender, were arrested in Lucknow for posing as MP and threatening government officials. A surveillance team with the help of police nabbed the imposters from Lal Batti Chowk. Lucknow SSP has given a cash reward of Rs 5,000 to the surveillance team for nabbing the fraudulent people. Further investigation is on. दरअसल एक जो मुख्य अभियुक्त हैं इनमें पूनम यादव जो किन्नर हैं उन्होंने फर्जी आईडी पर सिम खरीद के और वो फर्जी रूप से वो अपना फोन कर रही थी और सब लोगों को धमका रही थी अधिकारियों को कि इसमें ऐसा कर दीजिए उसमें वो कर दीजिए मतलब सिफारिश और धमकी भरे लिहाज अंदाज में तो उनको कल सर्विलेंस टीम के प्रभारी अनुराग मिश्रा लखनऊ से इनको पकड़ा है तीनों को और तीनों को पकड़ के इनके विरुद्ध गौतमपल्ली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पावर्ड बाय NNIS।